चलिए अब आपको बताते हैं कि इलॉन मस्क का यह दौरा क्यों अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए एक ई वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अब कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकेंगी। दरअसल पहले जो विदेशी कंपनियां हैं वे बाहर कार बना करके भारत में सप्लाई करना चाहती थी, टेस्ला भी उनमें से एक थी। बिग टेक जॉइंट दुनिया को पता दैट इज Moving it away from China. जानकारी दे दे, इससे पहले टेस्ला की कारें बनती चीन में थी और बिकती भारत के बाजार में थी, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि टेस्ला अपनी शंघाई फैक्ट्री से कारें भारत में लाकर बेचे, जिसके बाद पिछले साल भारत सरकार ने स्थानीय रूप से निर्मित कारों को बेचने पर जोर दिया था। हम इस वक्त बात करें कि इलॉन मस्क जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं, इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले इलॉन मस्क गए, और इससे पहले भी इंडिया जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात, तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे यहाँ पर उनका विजिट हुआ था तो उस वक्त भी उनकी इलॉन मस्क से मुलाकात हुई। $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है, उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9% जी, हमारी ग्रोथ 1% है। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते? क्या करना है? लेकिन मुख्य तौर पे 3 फायदे होंगे जब टेस्ला आएगी भारत में। सबसे बड़ी बात, टेस्ला अपने साथ भारत में दुनिया की सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपने साथ लेकर आएगी। सबसे एडवांस्ड, टेस्ला से बेहतर ईवीज दुनिया में कोई नहीं बनाता। वो अपना प्रोडक्शन को ब्रॉडन करना चाहते हैं, इसीलिए वो इंडिया में आए हैं। सो ऐसा क्या है कि वो चाइना से तो निकले, इंडिया में आए, लेकिन इंडिया के अलावा वो कहीं नहीं जा सकते? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेस्ला कंपनी के CEO मालिक एलन मस्क साहब वो भारत आने वाले हैं इसी अप्रैल के महीने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मुलाकात करेंगे और जो है अपनी फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं, और $2-3 बिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है भारत में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेंगे टेस्ला कंपनी की, और भारतीय मार्केट में मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो है दौड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है डीजल पेट्रोल का भविष्य अब उतना नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही सबको रिप्लेस करने वाली है, और भारत से बना के पूरी दुनिया में भी टेस्ला कंपनीज की कार जाएंगी। जैसा कि एप्पल ने, आईफोन ने अपना प्रोडक्शन भारत में 40% टारगेट कर लिया है। अभी तक दुनिया की 80% जो आईफोन है वो बनती हैं चाइना में, लेकिन अब भारत ने कहा है हम चाइना से 20% घटा के और भारत में जो 20% बन रहा है उसमें 20% और ऐड करके 40% कर देंगे। सो इसी तरीके से अब टेस्ला भी भारत में एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और भी बहुत सारी कंपनीज कर रही है। ठीक है, $2-3 बिलियन तो टेस्ला ने इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट टेस्ला भारत में अपनी बनाना चाहता है। इसको देख के पाकिस्तानी बहुत जले हुए हैं कि यार 1947 में हम भी भारत से अलग हुए थे और भारत भी लगभग हमारे ही तरह था, सो भारत इतना आगे कैसे ना? उनकी आंखें फटी रहेंगी। टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क 22 अप्रैल को भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। सूत्रों की माने तो वो भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस शर्त को मानते हुए टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है, जिसमें 2 बिलियन तक निवेश होने का अनुमान है। ठीक है, सो हमें जिन चीजों को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या तरक्की ऐसे ही करेंगे। जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो सारी बातें वो समझते हैं कि चाइना में काम करना इज रिस्क एट दिस टाइम। सो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। इंडिया को तो ये चलो एडवांटेज आता है कि अट्रैक्टिव मार्केट है, बड़ी मार्केट है, चीप लेबर है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के तहत बहुत कुछ उनको शायद वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इंडिया बार्गेनिंग भी बड़ी सख्त करता है, जिस तरह उन्होंने टेस्ला के साथ बार्गेनिंग की और अब इंडिया अमेरिका से फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा लेने की जदोजहद में है। सो हम क्यों टेक वर्ल्ड में नहीं जाते, हम क्यों उन जगहों में नहीं जाते जहाँ पे हम समझते हैं कि ज़्यादा बिजनेस आ सकता है, जहाँ पे चीज़ें अवाम के हाथों में चली जाएँ। हम इस वक्त बात करें कि इलॉन मस्क जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं, इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले इलॉन मस्क गए, और इससे पहले भी इंडिया जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात, तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे यहाँ पर उनका विजिट हुआ था तो उस वक्त भी उनकी इलॉन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इलॉन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स
कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे। वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलोन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। तो इससे पहले कि वो उन्होंने कहा कि चले एक्सपेरिमेंट अभी से स्टार्ट कर देते हैं, तो अब ये जो है ईवी प्लान इसको अनवील वो करेंगे, इसको रिवील करेंगे। ईवी प्लान उनका क्या है, कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और वैसे तो खैर इससे पहले हमने बताया वो $3 बिलियन का वो उनका जो फैक्ट्री या प्लांट है वो उन्होंने लगाना है, उसके लिए उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है और वहां पर वो उसका प्लांट लगाएंगे। अब देखिए दुनिया भर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और वहां पर अपने प्लांट लगा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, दुनिया भर के बिजनेस हैं जी। और सिर्फ यही नहीं कि एलोन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं, बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि जब वो IITs पे या यूनिवर्सिटीज पे फोकस कर रहे थे उस टाइम हमारा फोकस कहीं ना कहीं जिहाद की तरफ था, अफगानिस्तान की तरफ था, या हम वॉर इन टेरर में घुसते जा? देखिए जी ये लगता नहीं, ये फैक्ट है और ये अब पूरी दुनिया मानती है कि हमारी प्रायोरिटीज जो थी वो बहुत मुख्तलिफ थी। ये बात तो होगी, मैं एक्चुअली इनकी बात को जरा कैरी करूंगा कि मैं पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन ना लोग हिस्ट्री में भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। उसके लिए मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं जो चाइना के साथ इन्होंने अच्छे ताल्लुक रखे, वो सिर्फ चाइना के साथ और वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मैं यही कह रहा हूं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपना वो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि वो सारे मसाइल हैं, लेकिन कम से कम हमने उसके साथ एक एनिमोसिटी नहीं रखी जो हम हर एक के साथ रखने का शौक पैदा करते हैं अपने अंदर, वो एक चीज तो टिक है। दूसरा है इंडिया, तीसरा है ईरान, ईरान इज योर, आपने मुस्लिम मुस्लिम भी खेलना है तो आप उसका मुस्लिम। अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान से कोयला नहीं हम ले सकते थे, ये चीजें हैं इन लोगों को पता है, मुझे थोड़ा सा पता, इन्हें ज्यादा पता होगा, लेकिन ये आम पब्लिक को नहीं पता। आम पब्लिक को भाई ये कह दिया जाता है उसने कश्मीर पे ये किया, लो जी अब हम उसे ट्रेड, और भाई उसका क्या नुकसान हुआ? Exactly. इंडिया का कोई नुकसान हुआ है? हमने ट्रेड बंद किया नहीं, इंडिया का कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना नुकसान हुआ है वो हमारा ही हुआ है। आप महंगाई इधर हुई, आलू की कीमत इधर बढ़ी, प्याज की कीमत इधर बढ़ी, वहाँ पे रेट कम हुए हैं, लेकिन ये चीजें आम पब्लिक को कौन बताएगा? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये यूथ की जिम्मेदारी है। ये मेरे साथ भाई लास्ट में वाइंड अप करते हैं, भाई गिलगित बल्तिस्तान से मौजूद है, मेरा बड़ा दिल है इनसे भी बात करूं अगर ये बात करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रजा है जी मेरा नाम। गिलगित के कौन से एरिया से? जो मैं गिलगित सिटी से ही हूं। गिलगित सिटी से? अच्छा, ये जहां पे जो अभी हमने डिस्कशन की, आप भी जाहिर बात है पाकिस्तानी है, आप इस डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का आपको पूरा हक है। गिलगित 1947 से लेकर अब तक क्या देखता आ रहा है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से जो करता है वहाँ पे डिसीजन होता है, वहाँ पे जो यहाँ पे पार्टी है वहाँ पे जाती है, इलेक्शन करवाती है और हुकूमत में आती है, क्या आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो मर्जी है, आपको लगता है उसके मुताबिक गिलगित में काम हो रहा है? जी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो खुद आजाद हुआ था और हमने खुद अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था, ठीक है, और विदाउट एनी कंडीशन के, हमने कोई कंडीशन नहीं रही थी, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज मैं बताऊंगा कि आज तक 75 साल हो गए हैं और हम जो है वो पाकिस्तान के साथ मुसलसल जो है ना अपनी वफादारी शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। आज तक आप मुझे बताएं गिलगित बल्तिस्तान में आज तक कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट नहीं है, बलोचिस्तान में मिलेगी आपको, केपीके में मिलेगी, सिंध में आपको मिलेगी। मैंने सुना था कोई वो लैंड रिफॉर्म्स को लेके कुछ वहां पे बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं मेरे। जी प्रोटेस्ट होगा जब आप देखें, आप एक तरफ कह रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसकी वजह से आप उसको अपना प्रोविंस नहीं बना रहे हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ये खालसा सरकार है, गिलगित बल्तिस्तान की जमीनें जो है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, भाई कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों पाकिस्तानियों का माइंडसेट कभी सुधर नहीं सकता है, ठीक है, ये मदरसे छाप माइंडसेट के लोग हैं और साइंस वगैरह से नफरत। मान लो गलती से अगर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कंपनी आ भी गई एलोन मस्क की टेस्ला टाइप, तो क्या पता 2-4 दिन बाद मौलवी उस पर फतवा लगा दे कि ये तो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। मतलब कुरान के खिलाफ जाना मतलब पाकिस्तान में सरतन से जुड़ा, ठीक है। दोस्तों बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि जिसमें रेडिकल इस्लामिस्ट लोगों ने कैसे एक नॉर्मल इंसान को पाकिस्तान में सरतन से जुदा किया, ठीक है दोस्तों। सो टेस्ला वैसला तो पाकिस्तान में अलाउ ही नहीं है क्योंकि इस्लाम इन सब चीज़ों की इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम का तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि पृथ्वी गोल, ठीक है। सो टेस्ला और एलोन मस्क को कैसे जगह दे सकते हैं ये अपने देश, ठीक है, यहीं पे पाकिस्तान में ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है। और रही बात भारत की, तो भाई भारत के विकास से ही अब सभी कंपनियां अपने विकास को लिंक कर रही, ठीक है। एप्पल का जो विकास है वो भी भारत में ही देख रहे हैं अपना, टेस्ला भी देख रही है, और भी बड़ी बड़ी सऊदीज की, यूएई की कंपनी, दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी नहीं है जो भारत में निवेश नहीं कर रही हो इसमें।
पूरा यूरोप इस समय निवेश कर रहा है, पूरा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना से छोड़ छोड़ के कंपनीज भारत में निवेश कर रही है, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि फ्यूचर भारत, ठीक है। आईएमएफ की आप लोग प्रिडिक्शन देखिए, वर्ल्ड बैंक की प्रिडिक्शन देखिए, सब यही कहते हैं कि आने वाले 30 से 40 सालों यूएसए को बीट करते हुए चाइना के करीब अगर किसी की इकोनॉमी पहुंच सकती है वो भारत की, क्योंकि भारत के युवा के अंदर पोटेंशियल, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन है, आईएमएफ की प्रेडिक्शन है। अगर आप 2050 की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें भारत लगभग यूएसए के इकोनॉमी के बराबर है, और अगर आप 2070 की अर्थव्यवस्था का चार्ट देखते हैं, यूट्यूब पे आप लोग देखना, गूगल पे भी देख सकते हैं, उसमें यूएसए को क्रॉस करके चाइना के निकट भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। सो पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी की रैपिड ग्रोथ होने वाली है किसी देश की, वन ऑफ द उनमें से भारत है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।